Hey everyone, हम फिर से आ गए आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर ASICS ZARA का 5P की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू लेकर। वैसे तो ASICS बहुत ही कम बजट फ्रेंडली शू बनाती है, इनकी उसमें से एक है। तो चेक करें पूरा वीडियो ये देखने के लिए कि क्या आप लोगों को ये शू लेना चाहिए कि नहीं, और बजट वाले शू है तो क्या ये रनिंग में उतना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे कि नहीं, जानेंगे पूरा डिटेल में। एंड क्विकली बात करते हैं शू के बॉक्स के ऊपर। तो एकदम सेंटर में वही ASICS की ब्रांडिंग कर रखी है। बॉक्स को टर्न करने पर इस तरफ सारी डिटेल्स दे रखी है, और ये रहे हमारे ASICS के शूज। तो गाइस ASICS मोस्टली हाई बजट वाले शू बनाता है, एंड ऐसे कुछ ही शू है जो कि आप लोग को बजट फ्रेंडली मिलते हैं। ASICS ZARA का 5P यानी ये वाला शू भी एक बजट फ्रेंडली शू है, एंड काफ़ी एथलीट इस शू का यूज़ कर चुका है और कुछ तो अभी भी यूज़ कर रहे हैं इसके रेटिंग और परफॉर्मेंस के कारण। कलर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट कलर का एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि इसको रनिंग के दौरान एकदम आई कैचिंग बनाएगा। एंड वही अगर मैं शू के आउटर डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो वही आप लोगों को सिंपल सा ASICS का लोगो देखने को मिलेगा लेफ्ट और राइट वाले पैच पर। एंड सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला पार्ट इस शू का आउटर ही है, क्योंकि यहाँ पर मैश एंड सिंथेटिक का यूज़ कर रखा है। मैश के ऊपर आप लोगों को कुछ डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि लाइनिंग पैटर्न हो गया, कुछ कुछ जगह पर यहाँ पर होल्स पैटर्न भी फॉलो कर रखे बेटर ब्रीदिंग के लिए। एंड सिंथेटिक का मेनली लोगोस पे यूज़ कर रखा है। वहीं अगर मैं शू को टर्न कर रहा हूँ तो इस तरफ भी एग्जैक्ट डिज़ाइन फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। बैक की ओर जाए तो यहाँ पर आप लोग को एक अट्रैक्टिव सा ASICS का लोगो देखने को मिलेगा, जो कि साइज में स्मॉल है। लेफ्ट एंड राइट साइड में कुछ लाइनिंग पैटर्न्स भी यूज़ कर रखे, जो कि अट्रैक्टिव सा है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं शू के बैक सोल के ऊपर। तो बैक सोल में गाइस इस बार रबर का यूज़ कर रखा है, जो कि हर ZARA का सीरीज में कॉमन है। यहाँ पर भी सेम जेल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रखा है, जो कि नॉर्मल वॉकिंग एंड रनिंग के दौरान प्रेस होता है, कंफर्ट अच्छा देगा एंड स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा टारगेट करेगा। ऑल्सो डिज़ाइन वाइज यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ कर रखे, जैसे कि लेफ्ट साइड में कुछ एब्स्ट्रैक्ट दे रखे, राइट साइड में यहाँ पर लाइनिंग दे रखे हैं, एंड कुछ कुछ जगह पर ब्लॉक पैटर्न्स भी। ये मेनली आप लोगों की ग्रिपिंग टारगेट करेगा। एंड एक बार मैं आप लोगों को इसका बैक सोल भी प्रेस करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि गाइस आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, इशू में अगर मैं कहीं पर भी प्रेस कर रहा हूँ, फॉर अ फैक्ट अगर मैं यहाँ पर सोल वाले एरिया में प्रेस कर रहा हूँ, तो जहाँ पर भी ब्लैक वाला पोर्शन दे रखा है वो मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड लगा है वो वाले पोर्शन से, जहाँ पर सोल नहीं दे रखा है। मैं दोनों आप लोगों को साइमल्टेनियसली प्रेस करके दिखा देता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर सोल के साइड में कुछ लाइनिंग पैटर्न्स दे रखे, जो कि काफ़ी मैचिंग है। सोल का आउटर से स्टिच कर रखा है, ग्लूड भी कर रखा है, ताकि ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड ये इजीली रिमूव नहीं हो जाए। सोल हाइट की बात करें तो वो यहाँ पर कुछ 1.2 इंच यूज़ कर रखी है। शू को टर्न करने पर इस तरफ भी सिमिलर डिज़ाइन फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, एंड यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो वॉकिंग एंड रनिंग के दौरान भी कुछ इस तरीके से प्रेस होगा। एंड वही लेसेस यहाँ पर राउंड प्रोवाइड कर रखे हैं, तो नॉर्मल रनिंग वगैरह में ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। क्वालिटी भी ठीक ठाक प्रोवाइड कर रखी है, एंड पीछे की ओर आप लोग एक और ASICS की ब्रांडिंग फाइंड आउट कर सकते हो। एंड वही नेक्स्ट अगर हम बात करें शू के इनसोल एंड वेट के ऊपर, तो इनसोल इस बार हल्का सा कर्व प्रोवाइड कर रखा है, ताकि ये बेटर तरीके से फिट हो जाए। एंड पीछे से कर्व दे रखा है, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा कम्फर्ट उधर भी मिलेगा। एंड मटेरियल यहाँ पर पूरा रबर का बनाया गया, तो ये प्रेस करने पर सॉफ्ट भी है, नॉर्मल वॉकिंग एंड रनिंग के दौरान आप लोग को अच्छा खासा कम्फर्ट मिल जाएगा। नॉट ओनली दिस, यहाँ पर ऊपर की साइड भी थोड़ी बहुत कुशिंग की एक्स्ट्रा पैडिंग कर रखी है, जो कि आप लोग को ऊपर से भी कंफर्ट फील कराएगा। एंड मुझे कुछ इस तरफ डिफरेंट कंट्री के साइजेस देखने को मिलते हैं, जो कि परचेस के टाइम हेल्पफुल रहेंगे। एंड वेट भी शू का कुछ इतना ज़्यादा नहीं आया, वेट आया एग्जैक्टली कुछ 310 ग्राम का। दोनों शू का कंबाइंड वेट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 600 से लेकर 650 ग्राम के बीच में, तो इसको मैं अब बिट हैवी कंसिडर कर सकता हूँ, या तो आप लोग एवरेज कह सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं शू को पहन रहा हूँ या फिर हाथ वगैरह में उठा रहा हूँ, तो मुझे कुछ इतने हैवी नहीं लग रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर मटेरियल इतना हैवी प्रोवाइड कर रखा है, तो वेट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, शूज़ की फ्लेक्सिबिलिटी जानने के लिए एक बार मैं आप लोगों को ये शू फ्लेक्स करके दिखा देता हूँ सभी एंगल से। तो एक चीज़ तो आप लोगों के माइंड में डेफिनेटली क्लियर हो गई होगी, इशू को अगर मैं कहीं पर भी फ्लेक्स कर रहा हूँ तो मुझे एज सच कोई भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं मिल रहा है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये शू बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, फ्रंट से भी फ्लेक्सिबल है एंड बैक साइड से भी फ्लेक्सिबल है। तो अगर आप लोगों को रनिंग के अलावा कोई भी डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, या तो जिम वगैरह करना है, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फ्लेक्सिंग के दौरान यहाँ पर कोई भी एज सच स्ट्रेच मार्क्स नहीं बन रहा था, ना ही साइड सोल में देखा, ना ही आउटर में। एंड ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों की ड्यूरेबिलिटी टारगेट करेगा एंड इसको लॉन्ग टर्म बना देगा। एंड ये सारी बातें तो हो गई शू के बिल्ट एंड डिज़ाइन के ऊपर, अब बात कर लेते हैं शू के वॉकिंग एंड रनिंग टेस्ट के ऊपर। तो जितना मैंने शू से एक्सपेक्ट करा था वॉकिंग के दौरान, ये मुझे उतने ही अच्छे लगे, क्योंकि वॉकिंग के दौरान आप लोगों को एकदम डिसेंट सा कंफर्ट मिलेगा, ऊपर वगैरह आइट साइड सब जगह से यहाँ पर कंफर्ट फील हो रहा था। और तो और, इस शू की स्टेबिलिटी भी अच्छी है। एक और चीज़ आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जो रबर सोल मिलता है वो नॉर्मल वॉकिंग एंड रनिंग के दौरान प्रेस होगा, एंड यही चीज़ स्टेबिलिटी टारगेट करती है।
और पर्सनली गाइस मैंने शू को दोनों ही सरफेस पर रन टेस्ट परफॉर्म करके देखा है, दोनों का ही परफॉर्मेंस यहाँ पर एकदम सिमिलर था एंड ग्रिपिंग भी स्ट्रॉन्ग दे रखी थी, तो कहीं ना कहीं ये मुझे रनिंग के लिए एकदम सही लगे। फिटिंग के बारे में बात करें तो ये शू एग्जैक्टली फिट थे मेरे साइज से, मुझे यहाँ पर कोई भी एस सच प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। जंप के दौरान भी शूज स्टेबल थे, थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स बने थे आउटर में जो कि टेम्पररी रहेंगे मैच होने के कारण। एंड एट दी एंड हम गाइस बात कर लेते हैं शू के प्राइसिंग एंड वर्डिक्ट के ऊपर। ये शू पड़ा था मुझे एक्जैक्टली 3000 रुपीज़ का, एंड सेल वगैरह में आप लोगों को थोड़ा सा और कम में मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ उसके वर्डिक्ट के ऊपर, तो गाइस अगर आप लोगों का 2500-3000 रुपये का बजट है और कोई रनिंग शू परचेस करना है या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जॉगिंग शू परचेस करना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये शू सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि सॉफ्ट सोल प्रोवाइड कर रखा है तो आप लोगों को कंफर्ट डिसेंट सा मिलेगा जॉगिंग के दौरान। एंड रनिंग परफॉर्मेंस तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। एंड मल्टीपर्पज़ यूजर्स है, जैसे कि आप लोग इस शू को कैजुअली यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पार्टी वगैरह में यूज़ करना है तो उसके लिए भी सही रहेंगे। एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मेरी प्रीवियस A6 की वीडियो में पूछा था कि ये वाले शू के लिए जाना चाहिए कि नहीं, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अप टू मार्क रहा है। एंड वारंटी भी मिल जाएगी आप लोगों को इस शू के साथ, तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इजीली चेंज भी करा पाएंगे। तो गाइस अभी तक में अगर आप लोग को मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी के थॉट इस शू को लेकर। मिलते हैं आप सभी से अगली अनबॉक्सिंग में।